दी, धूम मचा दी। मेरठ के मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट, तो ऐसा याद रहे। खाने वाला ही यही कहे कि नान खटाई हो तो ऐसी मेरठ की मशहूर, मेरठ वालों की मशहूर गर्मा गर्म नान। आज सीखने के भी काम आ रहे, क्यों सही है ना? तो आज ऐसा देखो न पाए, कुछ खाइए अपने यार दोस्तों को। थोड़ा चेंज कर दो यार, खाकर तो देखिए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और वैसे तो हम लोग पार्क से घूम के आ रहे हैं अभी, और यहाँ पे हमें मिले हैं नान खटाई वाले भैया। और नान खटाई हमारे घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद है, आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ये देखिए, ये छोटी सी चलती फिरती बेकरी है, यहाँ पे नान खटाई में चल रही है, बहुत सी जगह खाई हुई। और अगर आपको पता होगा तो नान खटाई जो है बहुत ज्यादा फेमस है, और बहुत लोग पसंद भी करते हैं इसको। ऐसे ही इसको एडवर्टाइज भी किया जाता है, और बच्चे तो बहुत अपने घर में लेकर पसंद से खाते हैं इसको। देखिए, अभी अभी यहाँ पे दो बच्चे आ गए, और ये लोग भी यहाँ पे खा रहे हैं। गर्मा गर्म थोड़ा सा भैया से पूछेंगे ये कैसे बनता है, और उसके बाद आपको बताएंगे एक ये बनता कैसे है, तो बार कितना देर में इसमें बिस्किट वगैरह तैयार हो जाता है। तो अभी हमने आवाज़ थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो भैया बताएंगे अब इसके बारे में, जो ये चलती फिरती बेकरी लेके घूम रहे अपने ये चार टायरों में यहाँ पे ठेले में। तो भैया नमस्कार, पहले तो स्वागत आपका वीडियो में। आपका नाम? अच्छा, आवाज़ थोड़ी कम आ रही, थोड़ा तेज बोलेंगे तभी सही रहेगा, थोड़ा तेज बोलेंगे। अब बताइए बनाते कैसे इसको, और कैसा आइडिया आपके पास आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा बहुत लोग घूम रहे हैं नान खटाई लेके, है ना? इस बार तो बहुत ही चल रहा है यहाँ पे, तो बताइए कुछ इसके बारे में कि ये मशीन जो है ये आप कैसे बनाते हैं। और मशीन तो ये रेडीमेड मिलती है। अच्छा, रेडीमेड मिलता है। अरे नान खटाई जो मेरठ की, अच्छा मेरठ की, तो मेरठ की रेसिपी है ये, मेरठ की रेसिपी है ये। अच्छा, तो बिस्किट्स में क्या क्या यूज़ करते हो आप, दिखाऊंगा ये ट्रे में कैसे बनाते हो आप, जो ये ट्रे है ना, ट्रे में हाँ ये वाला जो है नीचे भी रखा हुआ आपने, वो बना रखा है अभी कि क्या है? अच्छा, ये स्टोर है आपका। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बन रखा है अभी कि नहीं बनाया? ये अच्छा बने हुए हैं ये। अच्छा, तो आप ऐसे देते होंगे, वैसे तो आप गर्मा गर्म निकाल के देते हो ना। अच्छा, सीखने के बाद तो ये भी स्टोर आपका, ये नीचे सीखने के लिए ऊपर होगा, ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट एक बार खोल के दिखा दो इसे। अच्छा, तो इसको ऐसे रखा जाता है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है बेटा, भी खाएंगे ठीक है, मम्मा लेके गई है ना। अच्छा, तो ऊपर वाला जो होगा वहाँ पे बेक होता होगा पूरा, ये क्यों सिकाई होती है? ऊपर वाला भी दिखाओ एक बार खोल के, अभी दिख नहीं रहा कुछ। अच्छा, ये कंपार्टमेंट है इसका, तो छोटी सी बेकरी टाइप है ये। और इसमें बिस्किट कैसे बनाते हो आप, यहीं बना के लाते हो या फिर यहीं बनाते हो घर? अच्छा, घर से बना के लाते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या क्या जाता है? बेसन है, मैदा है, और बूरा, चीनी का बूरा। अच्छा, और कितने के देते हो, कैसे देते हो? वही 10 के 10। 10 के 10, ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा एक दो पीस बढ़ा सकते हो आप। चलो ठीक है भैया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो देखना आप, अगर देखोगे तो लसपाल फैमिली में आएगा ये वीडियो, ठीक है। हम लोग वीडियो डालते हैं यूट्यूब में, तो चलिए फिर। और ये सर्दियों में तो आपके लिए सही है, क्योंकि आप आग भी सेक सकते हो। हल्द्वानी में वैसे ही बहुत ठंड हो रही है इस बार, क्यों? ठंड तो हर जगह ही है। अरे इस बार बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले नहीं हुआ करती थी हल्द्वानी में इतनी ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आग सेकने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें ना, आराम से। भैया के लिए तो बहुत अच्छा है, जहाँ भी जाते हो अपना, मतलब ये आग साथ में चलती है आपके, चलेगी नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे, वो भी है। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, नान खटाई का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नान खटाई खाना है और आपको, तो ये हल्द्वानी में पूरी जगह घूमते रहते हैं, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जो थ्रू आउट दी हल्द्वानी बेचते हैं ये, और काफ़ी स्वाद रहता है इनका, काफ़ी मज़ा आता है। हम लोग जब भी जाते हैं 10 रुपये 20 रुपये का लेके खाते हैं घर में। तो ठीक है, बाय बाय, हम मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, नए वीडियो के साथ।